हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का जो रिज़ल्ट है वो कब आ सकता है। देखिए, अभी ऑफिशियली सीबीएसई के द्वारा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है, लेकिन अगर हम लास्ट उसको देखें जो आपका टर्म फर्स्ट का रिज़ल्ट आया था, तो आप देखेंगे उसमें काफ़ी जो है देर से आया था, है ना। तो लेकिन अब इस बार उतनी देर तो होने के चांस नहीं, क्योंकि पेपर जो है वो रिटर्न में था, तो उसको चेकिंग में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो टेंथ क्लास का जो है रिज़ल्ट 15 जुलाई के आसपास, और जो ट्वेल्थ क्लास का है वो 25 जुलाई के आसपास जो है वो आ सकता है, ठीक है। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपसे शेयर कर दूँगा, ठीक है। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई, ताकि उनको आइडिया हो सके कि कब तक रिज़ल्ट आ सकता है। बाकी आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, कंप्यूटर कोर्स या इंग्लिश कोर्स कुछ भी हो जरूर करते रहें। बाकी अगर आपने पहले से तय कर लिया कि आपको साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। जैसे अगर बच्चे साइंस साइड वाले हैं तो जेई कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो मेडिकल में जाते हैं तो नीट को देख सकते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और ऐसे अगर कॉमर्स लेना चाहते हैं तो CA हो गया, CS हो गया, तो उस तरीके से जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में नॉलेज गेट करें, ताकि पहले से प्लानिंग बन जाए। बस ये छोटी सी वीडियो थी। ऐसी आर्ट्स वाले IAS हो गया, ठीक है, और जो गवर्नमेंट जॉब होती है जो आर्ट्स से बन सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करके पहले से अपनी कॉपी में बुक में एक बना ले और सारी इन्फॉर्मेशन लिख ले, ताकि बाद में उन्हें दिक्कत ना हो। पहले से रखेंगे तो आपका लक्ष्य पूरा डिसाइडेड रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।